इस मॉड्यूल में हम रिसर्च रिपोर्ट के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, जिसको आप अमूमन अपना थीसिस भी कहते हैं। इसके एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स के अंदर क्या चीजें डाली जाती हैं, टॉपिक यानी जिनको आप कहते हैं चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर की अपनी आउटलाइन है, वो कहां से आएगी, ये इस पूरे कोर्स में हमने उन चीजों को पढ़ा। अब वो तमाम चीजें आप जब थीसिस की रिपोर्ट की सूरत में लिखना चाहते हैं तो उस रिपोर्ट को कैसे तरतीब देना है, इस मॉड्यूल में हम इसका जिक्र करते हैं। बहुत टिपिकली हमारे जो अंडरग्रेड लेवल पे या इवन एमफिल या पीएचडी के थीसिस के अंदर जो चैप्टराइजेशन आप कह लीजिए या जो रिपोर्ट के सेक्शंस हैं, वो बहुत मिलते जुलते होते हैं। उनमें सबसे पहले आप देखिए प्रिलिमिनरी पेजेस आते हैं, जिनमें आपका एक सफा जिस पे रिसर्च का टाइटल लिखा हुआ होता है, आपका नाम लिखा होता है, इदारे का नाम लिखा होता है जहां आप ये रिसर्च कर रहे हैं, उस डिग्री की डिस्क्रिप्शन होती है जिसकी रिक्वायरमेंट के तौर पे आप ये रिसर्च कर रहे हैं। तो टाइटल पेज आ गया, उसके बाद अगले सफे पे रिसर्च का एक एब्स्ट्रैक्ट आप देते हैं, टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स बनाते हैं, लिस्ट ऑफ फिगर्स बनाते हैं, लिस्ट ऑफ टेबल्स बनाते हैं, फिर अगर रेलिवेंट हो तो लिस्ट ऑफ एब्रीवेशन भी दे देते हैं और एक्नॉलेजमेंट्स लिखते हैं कि इस रिसर्च को करने में किसी इदारे ने हेल्प की, आपके दोस्तों ने, कोलीग्स ने हेल्प की, तो उनको एक्नॉलेज करते हैं। और फिर जब ये प्रिलिमिनरी पेजेस खत्म होते हैं तो चैप्टर वन शुरू हो जाता है, जिसको आप इंट्रोडक्शन कहते हैं। इंट्रोडक्शन के टॉपिक में या इस चैप्टर के अंदर अमूमन आप पहले रैशनल ऑफ स्टडी बयान करते हैं, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस लिख देते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी का बयान कर देते हैं, और इस तरह की चीजें जो ओवरव्यू ऑफ रिसर्च है वो आप उसके अंदर दे देते हैं। इसके बाद इसका जो दूसरा चैप्टर आप बनाते हैं अमूमन वो लिटरेचर रिव्यू का होता है, जिसमें आप तीन चीजें डिस्क्राइब करते हैं, पहले कि आपके स्टडी में जो वेरिएबल्स जिनका जिक्र है उनकी डिस्क्रिप्शंस, उनकी डेफिनेशंस आप बयान कर देते हैं, या दूसरे लफ्जों में उनको ऑपरेशनलाइज कैसे किया आपने। फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा इस चैप्टर का बनाते हैं, जिसमें आप स्टडी का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बयान कर देते हैं, इसको अपने फिनोमेना को थ्योरी से कनेक्ट करने का अमल है। और जब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बाद फिर आप जो उसकी कंटेम्प्रेरी रिसर्च है उसका सिंथेसिस बयान करते हैं, और फिर एंड पे आप इसका अपनी स्टडी का कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क लगाते हैं, तो ये आपका लिटरेचर रिव्यू वाला चैप्टर जो है ये मुकम्मल हो जाता है। लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर के बाद अगला चैप्टर रिसर्च की मैथडोलॉजी से मुतल्लिक होता है। मैथडोलॉजी में मुख्तलिफ तरीकों से लोग डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन तीन चार जो मुश्तरक एलिमेंट्स होते हैं उनमें आप उसमें पॉपुलेशन और सैंपल का जिक्र, और अगर क्वालिटेटिव स्टडी है तो इस चैप्टर का पहला हिस्सा आपके स्टडी का कॉन्टेक्स्ट और उसके पार्टिसिपेंट्स को बयान करता है। इसके बाद आप सैंपलिंग के बाद दूसरा हिस्सा जो है वो आपके टूल्स को डिस्क्राइब कर देता है, और इन दोनों हिस्सों से पहले चैप्टर के आगाज में उम्र लोग रिसर्च डिजाइन का भी जिक्र करते हैं, और रिसर्च डिजाइन को कुछ लोग मेथडोलॉजी के अंदर लिखते हैं और कुछ उसको अलहदा सेक्शन के तौर पे लिख देते हैं। तो डिजाइन हो गया, और उसके बाद पॉपुलेशन और सैंपल का कॉन्सेप्ट हो गया, टूल्स कैसे बनाए जाएंगे, टूल फ्रेमवर्क क्या होगा, कितने टूल्स होंगे उसका जिक्र आ जाता है, फिर प्रोसीजर ऑफ स्टडी आप बयान कर देते हैं, स्टडी का कंडक्ट किस तरीके से किया जाएगा, ये चार चीजें आप डिस्क्राइब करते हैं, तो हम कहते हैं आपकी स्टडी का चैप्टर 3 यानी मेथडोलॉजी का सेक्शन जो है वो मुकम्मल हो जाता है। और फिर इसके बाद इसके नेक्स्ट हिस्से में यानी अगला हिस्सा रिजल्ट्स का, डेटा एनालिसिस, रिजल्ट्स, कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस, आप इन चीजों को हम मिला के कुछ इदारों में इसके दो चैप्टर्स बनाए जाते हैं, यानी डेटा एनालिसिस और रिजल्ट्स अलहदा और कंक्लूजन रिकमेंडेशन का चैप्टर अलहदा होता है। कई जगहों पे आप इन चारों चीजों को मिला के एक चैप्टर की सूरत दे देते हैं। इसमें आपने अपने हर रिसर्च क्वेश्चन या हर ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चन को सामने रखते हुए डेटा एनालिसिस कैसे किया वो बयान करना होता है, और डेटा एनालिसिस के रिजल्ट्स क्या है वो बताने हैं, उन रिजल्ट्स पे फिर आप डिस्कशन करते हैं, कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं उनमें से, और उनकी बुनियाद पे रिकमेंडेशंस जो है वो दे देते हैं। इसको दो या एक चैप्टर जैसे आपके इदारे में उसका स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक आप उसको
ध्यान करेंगे। ये आपके थीसिस का अमूमी तौर पे चैप्टर 4 बनता है या चैप्टर 4 और 5 बनता है। और फिर इसके आगे आप रेफरेंस की लिस्ट दे देते हैं और उस रेफरेंस लिस्ट को क्रॉस चेक करते हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर साइटेशंस के साथ। रेफरेंस लिस्ट के बाद अगर कोई एनेक्सेस हैं, यानी रिसर्च के टूल्स हैं, सैम्पलिंग के टेबल्स हैं, कोई इस तरह की और डिटेल है, कोई किसी से परमिशन ली हुई है, उसका कोई डॉक्यूमेंट है, तो वो आप एनेक्सेस में लगा देते हैं। एनेक्सेस के साथ अगर अपेंडिसेस हैं तो वो भी लगा सकते हैं। वो अपेंडिसेस वो वाले डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने जिनका इस्तेमाल अपने रिसर्च में कहीं किया लेकिन वहां उसका सिर्फ रेलिवेंट पोर्शन यूज किया, लेकिन आप चाहते हैं कि इसकी तफसील अगर किसी को पढ़नी है तो पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ ले, तो वो डॉक्यूमेंट आप उसके अपेंडिक्स में लगा देते हैं। सो अपेंडिसेस ऐड हो गए, एनेक्सेस ऐड हो गए, और इसके एंड पे अमूमन एक ऑटोबायोग्राफी या ऑथर की बायोग्राफी का नोट लिखा जाता है, एक्नॉलेजमेंट्स लिखी जाती है। अगर किसी ने आपकी रिसर्च में आपको फंड कर रखा है, सपोर्ट कर रखा है, तो एक एक्नॉलेजमेंट नोट आ जाएगा, और उसके साथ ही आप ऑथर की बायोग्राफी थोड़ी सी के ऑथर की बैग, यानी आप अपनी जो रिसर्चर हैं अपने थोड़ा सा एक ब्रीफ बताते हैं कि आपका तालीमी बैकग्राउंड क्या है, इस मजमून में आप कितने साल से पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में आपका कैसे इंटरेस्ट था, तो इन चीजों को वहां बयान कर देते हैं। और इस तरीके से ये तमाम, यानी 5 या 6 चैप्टर्स अलॉन्ग विद प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स और रेफरेंस और बाकी डॉक्यूमेंट्स जो एंड पे लगाते हैं, इन तमाम को मिला के आपकी रिसर्च रिपोर्ट जो है वो बन जाती है। अमूमी तौर पे इसके सफात कितने होने चाहिए इसका तायुन करना मुमकिन नहीं होता कि जी एक थीसिस कितना होगा तो बड़ा अच्छा थीसिस कहलाता है। थीसिस के अच्छे या बुरे, कंप्लीट या इनकम्प्लीट होने का ताल्लुक उस बात के कंक्लूड करने से है जिस पे आप रिसर्च कर रहे थे, नंबर ऑफ पेजेस पे नहीं होता। अगर मेरी जाती राय में थीसिस इतना को लिखना चाहिए, यानी अगर आप पीएचडी या एमफिल या का थीसिस बना रहे हैं तो 100-150 सफों से ऊपर का नहीं, जिसको लोग पढ़ सकें कंसाइज फॉर्म में। 500-700 सफों का बड़ा डॉक्यूमेंट बनाएंगे, ना आप दोबारा पढ़ेंगे ना कोई और दोबारा पढ़ेगा उसको। तो अपनी चीजों को कंसाइज फॉर्म में इस शक्ल में दे दें, और इसमें अपने यूनिवर्सिटी या इदारा जहां आप पढ़ रहे हैं उसकी गाइडलाइंस को जरूर जहन में रखिएगा इस रिपोर्ट को कंपाइल करते वक्त, क्योंकि ये यूनिफॉर्म नहीं है। हर इदारे के रिपोर्ट का स्ट्रक्चर अपना बना हुआ है थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस के साथ। आप इनमें से कोई बात जो मैंने कही, अगर आपका इदारा चाहता है कि वो चीजें इस तरतीब से ना हो जिस तरह यहाँ कही गई हैं, तो आप अपने इदारे की गाइडलाइंस को सामने रखते हुए अपनी रिपोर्ट को तश्कील दें।